बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, मैं इस वक्त रसूल बैराज के गेट नंबर 19 पर खड़ा हूं। ये जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें गर्दश कर रही थी कि जरा जेलम में एक बड़े पैमाने पर सलाम आने वाला है, या ये कि पानी का अखराज इस तरह हो रहा है, पानी का अखराज बढ़ रहा है, कोई बता रहा था 2 लाख क्यूसेक है, कोई बता रहा था कि पानी का अखराज जो है वो शायद बड़े सैलाब की सूरत हाल इख्तियार करने वाला है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको वो फिक्र बताने जा रहा हूँ जो ऑफिशियल हैं, डिपार्टमेंटल हैं, और जो इस रसूल बैराज से इस वक्त पानी का अखराज है वो 98,000 क्यूसेक है, जो 24 घंटे पहले 101,15,000 क्यूसेक था। यानी पानी का अखराज जो है वो तकरीबन 17,000 कम हो चुका है। मंगला के अंदर पानी की सूरत हाल सेटिस्फैक्ट्री है, और जो पानी मंगला के अंदर दाखिल हो रहा है वो 1 लाख क्यूसेक है, और जो अखराज हो रहा है वो भी 1 लाख क्यूसेक है। तो बताने का मकसद ये है कि किसी तरह भी सैलाब आने की कोई भी वजह इस वक्त नहीं है। टोटल इस रसूल बैराज के 48 गेट हैं, जिनमें से इस वक्त रात के इस पैर में 19 गेट जो हैं वो खुले हैं, और इन 19 गेट के खुलने की वजह से इस वक्त पानी का अखराज 98,000 क्यूसेक है। और अगर ये तादाद 2 लाख क्यूसेक तक भी हो जाए तो दरिया जेलम के अंदर कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस दरिया के अंदर तकरीबन 2 लाख क्यूसेक तक पानी को समेटने की सलाहियत मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, किसी किस्म की प्रोपेगंडे, किसी किस्म की गलत इंफॉर्मेशन पे यकीन मत कीजिएगा। ये वो डिपार्टमेंटल हकायक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस वक्त अभी अभी मेरी सुपरवाइजर इरीगेशन और एसपी इरीगेशन रसूल बैराज से तफ्तीली विशेष हुई है, और ये जो आदाद शुमार मैंने आपको बताए हैं ये सारा तफ्तीली की तरफ से दिए गए आदाद शुमार है। ये पानी का शोर और ये लाइटें जो आपको नजर आ रही हैं, ये मौके पे खड़े होके आपको बताने का मकसद ये है कि आप तसल्ली रखें, परेशानी की कोई बात नहीं है। पानी की सूरत हाल कंट्रोल में है, मंगला में भी कंट्रोल में है, रसूल बैराज के अंदर कंट्रोल में है, और पानी का जो अखराज है वो हर लम्हे कम होता जा रहा है, और ज्यादा चांसेस यही है कि अगले 24 घंटे में ये जो पानी का अखराज 1 लाख है ये 1 लाख क्यूसेक से कम होकर शायद 50,000 क्यूसेक तक आ जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।